कैथल पुलिस ने नशे की सबसे बड़ी खेप पकड़ी। एक ट्रक से 1,50,00,000 कीमत की अफीम, डोडा पोस्ट व चूरा पोस्ट बरामद। कैथल CI-A2 पुलिस द्वारा नशे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक चालक को पकड़ा है। SP ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हिसार चंडीगढ़ बाईपास पर गांव कटवाड़ ग्योंग चौराहे के पास की गई नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रुकवा कर चेकिंग की गई तो ट्रक में रबड़ व फोम के बीच एक पॉलिथीन में 500 ग्राम अफीम के साथ 58 कट्टे डोडा पोस्त व चूरा पोस्त बरामद हुआ। इसमें 24 कट्टों में 480 किलोग्राम डोडा पोस्त और 34 कट्टों में 1,020 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। SP ने बताया कि आरोपी की पहचान गांव मंडवाल निवासी सरदार पलविंदर सिंह उर्फ गोल्डी के रूप में हुई है। रबड़ वेफोम महाराष्ट्र से चंडीगढ़ लेकर जा रहा था। प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि आरोपी यह नशा मध्य प्रदेश से लाया था और कैथल व आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करना था। SP उपासना यादव ने देखे इस मामले में क्या कहा। कल हमारी STU की टीम है जिसके इंचार्ज PSI अमन है, इनकी टीम में ASI प्रदीप कुमार की एक टीम थी जो सायकाल को गश्त कर रही थी हिसार चंडीगढ़ बाईपास के ऊपर। तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, इनको इन्फॉर्मेशन इस तरीके की थी कि वहाँ पे कोई ट्रक है, ट्रक ड्राइवर है, वो NDPS का कुछ सामान है वो लेके आ रहा है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने ग्योंग कटवाड़ चौक है उसके पास में नाकाबंदी की थी। तो जो भी ट्रक्स थे या जो भी व्हीकल्स थे उनको प्रॉपरली चेक किया जा रहा था, तो एक ट्रक आया जिसको इन्होंने चेक किया तो उसके अंदर से NDPS का सामान बरामद हुआ। उसमें से एक पॉलीथीन में 500 ग्राम अफीम मिली, उसके अलावा 58 कट्टे वहाँ पे बरामद हुए जिनमें से 24 कट्टों में 480 किलोग्राम डोडा पोस्त है और 34 कट्टे हैं जिनमें 1,020 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुई है। तो इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुलाया गया, उनके सामने जो भी जमा तलाशी की गई है और उसके बाद FIR रजिस्टर की गई है। जो अक्यूज्ड है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, उसका अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद आगे की तफ्तीश की आरोपी जाएगी। का बैकग्राउंड क्या है मैडम? अभी तक की प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है उसमें जो आरोपी है वो ट्रक ड्राइवर है, उसका वो ट्रक ड्राइव करता है, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम धीरे धीरे ले जाएंगे। अभी तक की प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन में कि वो MP से कुछ सामान लेके आया था जो सामान था NDPS का। अभी बाकी की पूछताछ हमारी की जा रही है, उसमें जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी उस हिसाब से। अभी तक की हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 1.5 करोड़ के आसपास का जो NDPS है वो बरामद हुआ। जाना कहाँ था इसको सप्लाई के लिए? इससे अभी पूछताछ की जा रही है, रिमांड में जो भी हमारे पास पूछताछ में पता लगेगा कि कहाँ से आया था, प्रॉपरली किस जगह से लेके आए थे और कहाँ पे जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन और रिमांड के दौरान उसे पूछताछ में लेंगे। मैडम ट्रक में सिर्फ मादक पदार्थ ही था या कुछ और सामान था उसमें? ट्रक में बाकी भी सामान था, उसमें रबर और प्लास्टिक का कुछ सामान था, उसके साथ साथ उन्होंने कट्टे वगैरह छुपा रखे थे। तो कितना कितना सामान था? उसमें 500 ग्राम अफीम थी और लगभग 480 ग्राम डोडा पोस्त था और 1,020 ग्राम चूरा पोस्त। तो आरोपी एक ही है? अभी तक हमारे पास जो ट्रक को ड्राइव कर रहा था उसको हमने अरेस्ट किया है, बाकी पूछताछ में वो जिसके भी नाम आएंगे, जिसका इन्वॉल्वमेंट आएगा उनको अरेस्ट किया। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ का है उसका? ट्रक का रजिस्ट्रेशन वो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार रिमांड के दौरान हम पूछताछ करेंगे, उसमें आएगी। नहीं अभी भैया बगैर नंबर प्लेट के थे, नंबर प्लेट हमारे पास अभी तक उसमें नंबर प्लेट है, राजस्थान की नंबर प्लेट है, बाकी वो करेक्ट नंबर प्लेट है या कुछ इश्यू है उसमें वो हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखेंगे। वो एक बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी आएगा अभी रिमांड के दौरान पूछेंगे, उसमें जो पता लगेगा उसी। ट्रक खुद का है मैडम या जैसे ये ड्राइवर लगा हुआ था? अभी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसका खुद का ट्रक था, बाकी इन्फॉर्मेशन हम दोबारा से पूछताछ और अच्छे से करेंगे, गहराई से करेंगे तो जो आता है उसमें। थैंक यू।